हम उस वक़्त जब हमें इतला मिली तो वहाँ से मैत को उठाकर हमने यहाँ अस्पताल में लाया है। उस वक़्त से हम ये जो तहकीकाती टीम है यहाँ के SSP की सरबराही में जो उस वक़्त काम कर रही है, हम सुबह भी आए थे नमाज फजर पढ़ने के बाद थाने में ताकि क्या पता चला है इस मामले में। आपकी हाजिरी जो आप इस वक्त यहाँ आए हैं ये इस बात की अक्कासी करती है कि आपके दिल में इंसानियत की बहुत मोहब्बत है। इसीलिए आप भी बेताब हैं कि कब पता चले ये शख्स कौन है, कहाँ का है, बात क्या है कि ये वाकया क्यों वकूफ़ पज़ीर हुआ। इस सिलसिले में हमने कोशिश की, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें एक मर्डर ये होता है कि दो आदमी को लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को मार दिया, वो बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें शवाहिद का देखना बहुत अहम है। और कोशिश इस वक्त यही हो रही है कि कोई भी शख्स बेगुनाह न फंसे और जो मुजरिम है, जो कातिल है, उसे करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमने भी कोशिश की, वर्षा हमारे साथ थे, इन्होंने ही फैसला लिया कि हम इस बारे में क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि अगर लोकल लेवल पर भी किसी को कोई इतला है वो भी बता सकता है ताकि हकायक हमारे सामने आए, खामखा कोई बेगुनाह न फंसे और जो कल्प्रिट है, जो मुलजिम है, जो कातिल है, वो बच जाए। लिहाजा तहकीकात इस वक्त तक जारी है। तो सुबह में पुलिस ने कहा अनाउंस नहीं कर सकते जब तक न हमारी तहकीकात मुकम्मल हो जाए। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबयनु, जब तुम्हारे पास कोई बात आ जाए उसकी तहकीकात करो। है ये जो कत्ल हुआ है, कातिल को पहले बेनकाब किया जाए और उसके बाद उसे करारे वाक की सज़ा मिलनी चाहिए, यही आपका भी मुतालबा है। जरूर। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है, हम फिर पुलिस से